और यहाँ पे हो चुके हैं हमारी बेहतरीन सुबह सनराइज के साथ। बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही प्यारा, जैसे कि मैं हर ब्लॉग में बोलता ही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से एक नए दिन की शुरुआत। तो जी नए दिन की शुरुआत से नए ब्लॉग में ब्लॉग तो कब का चालू हो गया आपने देखा। तो अभी ये सीन है कि बैच पूरी हो चुकी है, अभी टाइम हो चुका है करीबन 8:05 बज चुके मेरे दोनों सेशन पूरे हो चुके हैं। और अभी मैं जाऊंगा सोने ऊपर, यहाँ पे पेंट हाउस है। जो आप पुराने व्यूअर हो तो आप लोगों को पता होगा मैंने दिखाया हुआ है। और दूसरी चीज़ अभी ऐसा है कि अभी दो दिन से मैंने व्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत खुद के लिए टाइम चाहिए था, जो मैं प्लानिंग्स कर रहा हूँ उसके लिए थोड़ा बहुत, तो वो मैं सर्चिंग कर रहा था ये चीज़ें कि कैसे क्या करना है यार। क्योंकि आने वाले टाइम में विद इन 1 मंथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैवल कहाँ कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ वो सब मैं आपको करूँगा। हाँ, कैसे कर रहा हूँ वो बाय रोड होगा, और बाय रोड में कैसे कर रहा हूँ वो आप लोगों को थोड़ा बहुत सरप्राइज रहेगा। अभी तो फिर कैसे करेंगे, बस यही प्लानिंग सब चल रही थी कि कैसे क्या करना है वो। बाकी अभी होली आ रही है, होली पे तो धूम मचाएंगे, होली का ब्लॉग भी आएगा। लास्ट टाइम आया नहीं था क्योंकि लास्ट टाइम कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे इसके लिए, बाकी इस बार तो आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। ये है अपना पेंट हाउस और यहाँ पे पंखा लगा हुआ था, यहाँ पे ये नेचुरल एयर आती है यहाँ से, यहाँ पे हम सोते हैं। तो अभी टाइम है सोने का, तो फिर आपको सीधा 10:30 बजे मिलूंगा बैच में। बैच अभी पूरा हो चुका है, बैच पूरा हो चुका है, तो अभी मैं जाऊंगा वर्कआउट करने। तो आओ थोड़ा वर्कआउट आपको दिखाता हूँ।
शाम को इवनिंग की कोरियोग्राफी है, तो कोरियोग्राफी पे भी जाएंगे। लिया है मैंने, तो कोरियोग्राफी की बैच पे आ चुका हूँ। अभी बस कोरियोग्राफी पे निकल रहा हूँ, सोसाइटी में आ जाऊँ वो प्लेस पे, मतलब वहाँ पे नीचे जिम है, तो जिम पे जा रहा हूँ। घर में किसी को सूटेबल होता है, किसी को नहीं होता है, कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है क्या वैसे होता है, तो जिम पे जा आ गया हूँ वो वाली लोकेशन पे। वैसे ऐसे कोरियोग्राफी तो सी सब पूरे हो चुके थे, लेकिन फिर से चालू हो गए हैं, तो काम फिर से करते हैं। कल नहीं, परसों, मतलब एक दिन पहले मैंने लेग्स मारे थे, तो इतना हो रहा है कि पूछो ही नहीं। सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत ही तकलीफ हो रही है। वैसे तो मैंने करीबन 1.5 साल के बाद में मैंने इतने हैवी लेग्स मारे हैं, तो थोड़ा बहुत तकलीफ हो रही है। वैसे भी स्ट्रेचिंग थोड़ा किया है, मेरा रूटीन वर्कआउट है, तो थोड़ा बहुत तकलीफ नहीं पड़ा, देखिए। अब आ चुके हैं हम डी मार्ट में कुछ ग्रोसरी लेने, 2-3 चीज़ें हैं जो हमें लेनी है, तो बस वही अभी करेंगे। वैसे डी मार्ट में तो मैं काफ़ी मतलब पता ही रहता हूँ ये सब चीज़ों के लिए, तो मोस्ट ऑफ क्या है कि ये चीज़ें डी मार्ट में कुछ खाने की चीज़ें अच्छी मिलती है, जैसे मेरा रेगुलर फूड हो गया पनीर वगैरह, जैसे कि पनीर लेने हमने पनीर चीज़, ये सब काफ़ी चीज़ें पड़ी रहती है, लेकिन अपने को चाहिए टोफू, टोफू पनीर, तो वो हमने लिया है। यहाँ पे डिस्काउंट में होता है, तो तभी यहाँ से लेते हैं, बाकी सब चीज़ें मोस्ट ऑफ डिस्काउंट में होती है। कई चीज़ें मतलब भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, यहाँ पर नींद आ रही है बहुत, घर पे जाके अभी सो जाऊंगा मैं। सो गाइस, अभी इवनिंग हो चुकी है, वैसे मॉर्निंग में बैचेस लेके सीधा घर गया था, आराम किया, अभी इवनिंग हो चुकी है, अभी बैच फिर से ले रहा हूँ और फिर जाऊँगा कोई जाती है वो थोड़ा बहुत दिखाऊंगा, आज फिर से मैच खेलने भी जाना है, तो वो भी दिखाऊंगा, ये ब्लॉग में दिखाऊंगा या तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा। मैच की तैयारी हो चुकी है, आ चुके हम ग्राउंड पे, तो बस अभी करेंगे स्टार्ट हम मैच सीधे। Thank you.
सेकंड मैच है, सेकंड मैच में हमने फील्डिंग कर ली, अभी हमारी बैटिंग है। ये हमारे कप्तान साहब है, कप्तान साहब है हमारी, वाइस कैप्टन है, लेकिन हमारे मैच जीता के आएंगे। हाँ, टारगेट कितने का है? लास्ट में मैंने कैच पकड़ी, जो खतरनाक कैच पकड़ी, लेकिन फोन चालू नहीं था, ऐसे जंप करके डाई से बाउंड्री पे पूरा, वो सामने बाउंड्री है वहां पे सीधा। जल्दी जल्दी चलो, हमारा वाइस कैप्टन थोड़ा ढीला पड़ गया है, अभी तक एक ही चौका है सिर्फ। अभी बैट चेंज किया तो लगेगा छक्का जो कम पड़ेगा, सीधा तीन छक्के ये ओवर में। क्या विनू भाई, तीन एक्सपेक्टेशन है आपके प्लेयर से कि 15 रन कम से कम निकालो? हाँ, एक लग चुका है, बाकी के तीन बाकी, ओ दो बाकी। इसकी कैप पे लिखा हुआ तो है किंग, अभी बनेगा अभी किंग। दूसरा चौका बच गया, अभी तीन में दो छक्के पड़ेंगे, बिल्कुल ही बढ़ेंगे। एक तो चौका आ गया, रन रन, लास्ट बॉल चौका या छक्का पड़ेगा, छक्का, चौका चौका चौका, नहीं पकड़ लिया, फील्डिंग कर ली। बाकी ये 12 रन चाहिए, बाकी 12 चाहिए। अरे हाँ, 12 13 माँ भाऊ, 1 रन समय की। हेलो हेलो, ओके, अरे बढ़िया। और ये हमारा प्लेयर अभी खेल के आएगा, बोला था जीता के आएंगे। हाँ तो यही जीता के आएगा, अभी हमारी बैटिंग वेटिंग आई नहीं है, यही जीता के आएंगे, है ना भैया? हमारी बैटिंग नहीं आई है ना अभी तक, आपकी बैटिंग अभी, आई थिंक ये वाला मैच आप जीत जाओगे, उसके बाद फिर से आपकी बैटिंग आएगी, हमें कुछ ऐसा अंदाज आ रहा है। विनिंग, ये फिर से अगेन कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। पूरी हो चुकी है, बस अभी घर जा रहे हैं, और मैच मतलब समझो एक हम हार गए और दो हम जीत गए, सीन ऐसा है। आज ये भाई सामने वाली टीम में था, तो आज दो ये हारा है और एक हम जीते, ऐसा था। पर सीन ये हो गया कि ये बॉलिंग पे आया, उस टाइम मेरी बैटिंग आई, तो आपने देखा ही होगा पहली बॉल पे मैं बोल्ड हो गया, वैसे तो होता नहीं, पता नहीं कहाँ अनकॉन्शियस हो गया, और पहली बॉल भाई गुगली बॉल डालेगा, शॉट मारेगा, लेकिन आज भाई की बॉल पे गुगली में आउट हो गया भाई, सीधा गिल्ली बॉम्ब।